हो ही गए हैं। चटनी खाने पर चटनी बनाओ चटनी बनाओ, इतनी धूप लग रही कैसे जाऊं। अरे मैं मतलब वो अच्छा हमारा एकदम घर का ऑर्गेनिक पुदीना। चलो बर्तन धोने की जिम्मेदारी उठा लिया आपने, थोड़ा एडवांस मिल जाएगा। नहीं नहीं है डॉल, हमारी अम्मा पिछले पिछले तनिक 10,000 रुपए डाल दे हमारे। 10,000 तो तुम्हारे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका मैं एक और नई वीडियो में। आज है दिन शुक्रवार और सुबह के बज रहे हैं 9। आज वीडियो की शुरुआत हो रही है और मौसम की बात की जाए तो आज धूप लगी है खतरनाक। बाप रे आँख में धूप है तो आँख ही नहीं खुलती नहीं। और आज हमारे यहाँ सुबह से लाइट नहीं है तो अंधेरा सा और घर में। बाकी डैडी नाश्ता कर रहे हैं और गुड मॉर्निंग और साथ में टिफिन हुआ और हम अब उठ रहे हैं और हाथ धो लिया, नाश्ता करते हैं पहले, फिर उसके बाद ऑफिस का काम करेंगे। और क्या हो रहा है फिर? लाइट नहीं है सुबह से, 2 घंटे हो गए लाइट को गए। तो दोस्तों आज नाश्ते में बना है आलू बैंगन और पराठा। इनका हम इनके लिए अलग से ही पराठे बनते हैं हमेशा। डैडी की तो तैयारी हुई खा पी के जाने की ऑफिस। चलो करते हैं नाश्ता। तो अभी टाइम क्या हो रहा है? 12:30 तो हो ही गए हैं। चटनी खाने पर चटनी बनाओ, इतनी धूप लग रही कैसे जाओ। अरे मैं मतलब वो अच्छी चटनी है ना तो बना दो, दही वाली। तो मैं दही लेके आ रहा हूँ, मैं दही लेकर आऊँ, पुदीना तोड़ के लगाओ अच्छे से। जाओ बाहर तो आंखें नहीं खुल रही है, ये देखो इतनी धूप हो रही है तेज यार। वो चप्पल तो पहन लो, तो नंगे पैर थोड़ी जाऊंगा। तो मुझे लगा क्या पता मेरे क्या कहते खुशी में कि यार मैं चटनी बनानी है, कहीं जा तो नहीं रहे हो? इतना प्यार तो नहीं रही ऑफिस का काम। हाँ ऑफिस का बहुत काम है इनका आज, तो जाओ आराम से, मैं तब तक लेके आती हूँ। धनिया तो है ना वहाँ पे। तो दोस्तों बहुत ज्यादा तेज धूप है और मैं जाती हूँ ऊपर। हाँ देखो आप कितना तेज धूप लगी हुई है, बाप रे बाप। कब धनिया कहाँ है यार? नहीं पुदीना, सॉरी मैं पुदीना ढूंढने आई हूँ, ये नहीं पता पुदीना है। दोस्तों ये है हमारा एकदम घर का ऑर्गेनिक पुदीना, तो इसके पत्ते तोड़ लेती हूँ थोड़ा फ्लेवर के लिए, ज़्यादा अच्छा होगा। गांव में तो इतना घना घना इतना अच्छा पुदीना होता है ना, एकदम डार्क ग्रीन वाला। यहाँ पे थोड़ा वैसा नहीं है बट ठीक है अपने यूज़ के लिए। देखती हूँ कितना ले जाना है। तो ना यहाँ पे 3 और बोए हैं मम्मी ने, पता नहीं कुछ तो कुछ इसमें बोया है मम्मी ने, तो अब जब होगा तब दिखाऊंगी आपको। बाकी यहाँ पे भी कुछ बोया है, क्या होगा ये? धनिया तो नहीं है ये, पता नहीं अभी तो इसमें पहचान में नहीं आ रहा है। ये पुदीना तोड़ के मैं लेके आई हूँ। आहा इसकी खुशबू कितनी अच्छी लगती है इसकी खुशबू। क्यों क्या है ना हल्द्वानी में ना हम बहुत चटनी, मतलब मैं ही बनाती थी ज़्यादातर की चटनी बनाया, कभी टमाटर की कभी किसी की। मैं चटनी बनाना अच्छा लगता है तो हम मतलब वहाँ चटनी खाते ही रहते थे। तो मैंने इनसे बोला परसों ने बनाई तो अच्छी हो रही थी, तो मैंने कहा आज भी बनाते हैं। क्या बोलते सही होता है चटनी, आजकल गर्मी भी है थोड़ा तो थोड़ा रिफ्रेशमेंट भी होता है चटनी से। इतने से ऐसा नहीं होगा? अरे बहुत ले जाओ, पुदीने से तो बनती है। अरे वहाँ तो छोटे छोटे बचे हुए हैं और भी हैं, नीचे की साइड भी हैं पुदीना। मुझे नहीं पता किधर, इधर यहाँ आगे, चलो मैं देखती हूँ। तो यहाँ पे हमारी बन रही है चटनी, हमारी नहीं मतलब पुदीने और धनिया की चटनी। मेरी तो बनी रही है। आपकी तो बन रही है, ऑफिस का भी काम है ये भी है, पर इसमें अदरक लहसुन और धनिया पुदीना सब कुछ डाल दिया। और उसकी ना उसकी इतनी अच्छी खुशबू है ना, मुझे लहसुन भी इतना ज्यादा पसंद है ना, मतलब लहसुन का अचार ऐसे कच्चा नहीं पसंद है, नहीं मतलब लहसुन का अचार वगैरह और दाल में जैसे लहसुन डालते हैं ना तड़का, वो बड़ा सही लगता है। तो ये तो आपको पहले बता चुके हैं कि ये कैसे कैसे बनानी है, तो आज तो बस ऐसे दिखा रहे हैं आपको कि अभी चटनी बन रही है। तो चटनी हमारी रेडी है ये, पर ये एक दिन भी पूरी नहीं होती हमारी, नहीं 2 दिन तो चली गई थी। आपका बस चाहिए तो एक ही दिन में खा लो, आज सब लोग खाएंगे। तो दोस्तों आज हमारे किचन में बन रहा है क्या, फाणो है ये है क्या? चैसू कोई गीले वाला बना रहे हो? हरीदार वाला है। अच्छा हरीदार वाला, एक बना रहा देखो। तो यहाँ तो मिक्सी में पीसते हैं बट गांव में सिलबट्टे में पीसते हैं, कोई तो सूखा भी भूनता है ना इसको है।
कोई तो सूखा भी भूनता सूखा, ये सूखा वाला नहीं होता, ये गीला वाला है। अच्छा तो हम ऐसा ही दूसरी हरी वाली दाल का है, काली दाल वाला नहीं है, काली दाल वाली नहीं है, हरी दाल वाली। अच्छा ठीक है ठीक है। तो हरी और काली दाल से बनता है, नाम वही है चैसोनी बोलते, तो उसको चैसोनी है ना, उसको तो चैसोनी है। इसको क्या बोलते हैं? इसको भी चैसोनी है, ये हरी दाल ही है ये। अच्छा तो दोस्तों और इसका मजा है जो खाली ये लोहे वाली कढ़ाई में ही बनाने में होता है, तो ये वाली का है। ठीक है तो ये लोहे वाली कढ़ाई में बनती है। जो भट्ट की चुटकानी है और ये हमारे चैसोड़ी भटोनी है, ये लोहे की कढ़ाई में बनाओगे ना आप तो उसका स्वाद ही अलग आता है, क्योंकि ये लोहे का अलग फ्लेवर आता है, बताएं क्यों, उसमें मज़ा भी आता है। तो लगी हुई है, उसको भूते हैं, बनाओ बनाओ। चावल बन गए, बन गए चावल। तो दोस्तों अभी हमारा बन गया लंच और हम लंच कर रहे हैं, और ये तो ये बना है, देखो इसका कलर भी देखो वही आया, भदोले में बनाते हैं यही तो इसका टेस्ट है। और मैंने मम्मी को कहा कि मैं भदोले में खाऊंगा, क्योंकि भैया भदोलों में ही खाने का स्वाद है इसका, जो साइड साइड में लगा होता है ना, आ हा हा चाटने में बड़े ज़्यादा पूरे मसाला मसाले से होता है, बड़ा टेस्टी होता है। मम्मी रख रही है सबके लिए, चलो खा के बताते हैं। बड़ा स्वाद होता है यार दाल दूल से, तो ये पीस पूस के बनाओ ना स्वाद लगता है। तो दोस्तों ये आ गया अपना भदोली, और ये देखो ये जो साइड में होता ना, हाँ ये वाह ऐसे, हाँ बड़ा सही लगता है भाई भदोले में खाने का, यही मज़ा है भाई। चावल के साथ चटनी भी खा रहे हैं, बस आप चटनी बना देना, इनको हर टाइम चटनी चाहिए। चलो ये मतलब दही दही का अल्टरनेट हो गया है ना, अगर दही खाते तो इसकी जगह ये सही है चटनी, हाँ तो सही है। इस समय ना सही भी होती है, पेट को ना ठंडक बचाती है पुदीने की चटनी ना। तो चलो करते हैं लंच। तो दोस्तों अभी शाम के बज रहे हैं 6, तो शाम का टाइम है, सूरज अस्त, देखो बाबरा। दोस्तों अब एक दिन ऐसा लगता है कि ठंड शुरू हो गई है, एक दिन अगले दिन लगता है कि गर्मी, क्योंकि धूप आ जाती है तो अगले दिन इतनी गर्मी लगती है ना। और कल सैटरडे है, कल भी मेरी छुट्टी है, तो देखते हैं क्या करते हैं, कल सोच रहे हैं कहीं जाएं। बाकी शाम के टाइम हमारे यहाँ बच्चे खेलते हैं इधर, ये देखो जी यहाँ पे इन्होंने ग्राउंड बनाया होता है, क्रिकेट खेलते हैं यहाँ पे ये लोग, ये हमारी गली है इधर। हमें भी बड़ा याद आता है यार, हम भी बचपन में बहुत खेला करते थे क्रिकेट। खैर अब तो सब ड्यूटी वाले हो गए, दोस्त यार दोस्त कभी कभी मिलते हैं महीने दो तीन महीनों में, सब अपने परिवार में बिजी हो गए हैं। तो दोस्तों अभी रात के 8 बज रहे हैं और मेरा भी ऑफिस ख़त्म हो गया है और मैं नहा लिया हूँ। कौन कौन मेरी तरह है जो जब नहा के आता है ना तो उसके बाद गर्मी लगती है, लोग कहते हैं कि नहाने से ठंड, जब तक आपके शरीर में पानी पड़ रहा है तब तक ठंडक है, लेकिन जब जैसे आप बाहर आते हो नहा कपड़े वगैरह पहनते फिर और पसीना लग जाता है, उमस से होने लग जाती है, पता नहीं मेरे साथ ऐसे होता है। तो अब मैंने कहता था मम्मी को डैडी को, कहा था ना मैंने कि अब जब आधार कार्ड में सबके चेंज कराने थे सब इकट्ठे करा लेंगे सबके चेंज, क्योंकि अब एक एक करके कौन जाएगा प्रधान के पास बार बार, तो मैं कहा सब एक ही बारी में स्टैंप वगैरह लगवा के ले आएंगे। तो ऐसा कुछ है, अभी आज हमारा बन रहा है हलवा, हलवा बन रहा है आज। तो दोस्तों किचन में बन रहा है आज हमारा सूजी का हलवा, क्या बन रहा है सूजी का हलवा ना, सूजी, और ये हमने काट दिया इसके लिए थोड़े से बादाम और थोड़े ये छुआरे, छुआरे बोलते ना किशमिश, अरे छुआ छुआरे क्या होते हैं अच्छा वो उसको छुआरे बोलते हैं, अच्छा ठीक हाँ। तो ये चलेगी सूजी भुनेंगे मस्त, बाकी सब्जी तो ये दिन का वो है, और ये अपनी आलू बड़े की सब्जी है और रोटी भी इसमें बन गई, इसमें थोड़े से चावल बचे, चावल तो डैडी खाते हैं, ये भून लिया, हाँ 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 सूजी की फ्रेगरेंस दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम बैठ गए हैं अपना डिनर करने के लिए, और देखो आज कितना कुछ बना है डिनर में। तो देखो दोस्तों ये लग गया हम सूजी सब्जी, ये दिन की सब्जी चटनी, और ये बीवी और यहाँ पे मम्मी और पापा बैठ के, और डैडी का तो तारक मेहता ही रहता है, बस सुबह शाम तारक मेहता भाई यही चलता रहता है इनके डैडी के लिए, सबके घर पर ही चलता हुआ खाते समय। हाँ अच्छा अच्छा, तो जब दिन भर ऑफिस का काम आप थक जाओ और उसके बाद इतना अच्छा खाना मिले आपको टेबल में तो मज़ा ही कुछ और होता है ना। तो चलो जल्दी जल्दी से खाना खाते हैं, मज़ा आएगा आज खाना खाने में यार। दोस्तों
आज पहले दिन कहाँ से आया बर्तन? आज शनिवार आया दिन। कभी कभी तो धो लेता हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि नहीं धोता। कभी कभी तो आज आपका क्या मन कर रहा था बर्तन धोने का? छुट्टी है तो आराम से बर्तन धो। देखो कितने ढेर सारे बर्तन हैं। मम्मी ने इतना अच्छा खाना खिलाया, मैं कहा चलो बर्तन धो लेते हैं। चलो बर्तन धोने की जिम्मेदारी उठा ली आपने। और बर्तन दिखाऊंगा कितने हैं दोस्तों, छोटे मत थोड़े मत समझ रहे। देखो बर्तन, देखो ये देखो बर्तन फोड़ दोगे क्या हमारे? ढंग से दो जरा, ऐसे पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है मार्जिन, ठीक है अच्छे से दो। ये ऐसे नहीं, अच्छे से रखो, थोड़ा एडवांस मिल जाएगा। नहीं नहीं है एडवांस, पिछले अब महीने तो एडवांस लिया था। नहीं वो तो हमारी बीवी बीमार है, अम्मा बीमार है। बीवी तो अभी बीमार है, थोड़ा एडवांस मिल जाएगा। तुम्हारी बीवी तो हमेशा बीमार ही रहती है, थोड़ा एडवांस मिल जाएगा। एडवांस नहीं, कितने चाहिए? तनिक 10,000 रुपए डाल दे हमारे। 10,000 तो तुम्हारी सैलरी नहीं है, 10,000 रुपए एडवांस दे दूं? हम आपके रोज बर्तन धोएंगे, झाड़ू मारेंगे। चलो ठीक है कोई नहीं, 500 रुपए ले जाना जाते वक्त। ऐसे करो मालकिन, आप ही धो बर्तन, हम आपको देते हैं 10,000 लाओ दो। तो अभी हमारा डिनर भी हो गया है और बर्तन वगैरह भी धो लिए मैंने, बाकी सब अपन मेरे रूम में सोने चले गए हैं। कल छुट्टी है तो कल मम्मी को भी लेके जाएंगे अपने साथ घुमाने के लिए, और कहाँ जाएंगे वो कल की वीडियो में पता लगेगा। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कोई भी वीडियो मिस मत करना। मिलता है फिर एक नई वीडियो में, तब तक हंसते रहे मुस्कुराते रहिए। जय देवभूमि, जय भारत, जय उत्तराखंड, टिल द एंड, बाय।